Hello students, and today you will know about the chapter in the kingdom of fools, means मूर्खों का राज, written by A.K. रामानुजन। ये जो कहानी है वो एक है गुरु और शिष्य की। देखिए, समय के साथ हर शिष्य गुरु का कहना मानता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है। स्टार्टिंग में जब शिष्य ने देखा कि गुरु जो हैं उनकी बात में दम कम लग रही है, तो शिष्य ने गुरु का कहना नहीं माना। लेकिन गुरु जो कहते हैं वो कुछ ऐसा कहते हैं जिसकी आशंका उन्हें भविष्य में होने की होती है। वैसा ही कुछ है ये चैप्टर, थोड़ा रोमांचक है, थोड़ा हंसी भरा हुआ है। तो चलते हैं, देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। ये जो स्टोरी स्टार्ट होती है एक ऐसे राज्य से है जो मूर्खों का राज्य है। अब मूर्खों का राज्य इसलिए बोला गया है क्योंकि इनके जो राजा थे वही सबसे बड़े मूर्ख थे। हुआ क्या, राजा ने पूरे देश में घोषणा करा दी कि हमारे देश में दिन रात की तरह बिताई जाएगी और रात दिन की तरह बिताई जाएगी। मीन्स टू से, यानी कि दिन में वही सब काम होंगे जो रात में होते हैं, यानी कि सोना, यानी सभी लोग आराम से मस्त होकर सोएंगे, और रात को सभी लोग जैसे दिन में कार्य करते हैं वैसे ही रात को सभी लोग अपना अपना कार्य करेंगे। जनता क्या करे बेचारे, जनता को तो अपने राजा का कहना मानना ही था, इसलिए जनता ने वही किया जो राजा ने उनसे कहा। एक दिन एक गुरु और शिष्य जो थे वो उस राज्य में आए घूमने के लिए। गुरु ने जब आकर देखा कि अरे ये राज्य तो बड़ा विचित्र है कि दिन में बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है, बिल्कुल डिजर्ट हो गया है, कोई नजर नहीं आ रहा है चारों तरफ। बहुत टाइम तक वे घूमते रहे, शाम हो गई, धीरे धीरे उन्हें लोग दिखाई देने लगे, और जैसे जैसे रात होती गई लोग दिन की तरह सभी लोग जग गए और सभी अपना अपना कार्य करने लगे। गुरु को बहुत विचित्र लगा। अब तो उन्हें भूख भी लगाई थी, तो वे भोजन के लिए गए, तो उन्होंने क्या देखा, मार्केट में जाकर प्रत्येक वस्तु एक रुपए, यानी कि उनके डुड्डू कहते थे उसको, एक रुपए में हर चीज उन्हें मिल रही थी। चाहे केला ले लो, चाहे गेहूं ले लीजिए, चाहे आप चावल ले लीजिए, जो चाहे वो ले लीजिए, और आपको एक रुपए में वो वस्तु मिल जाती थी। अब गुरु तो और भी ज्यादा परेशान था देखकर कि बड़ा विचित्र देश है, और उन्होंने मन ही मन भाव लिया कि जल्दी ही इस देश का सर्वनाश हो जाएगा। अगले दिन वो चलने लगे, शिष्य से भी कहा चलने के लिए, लेकिन शिष्य को वहां का माहौल जो था बड़ा भाग गया, क्योंकि उसे क्या था, हर चीज एक रुपए में मिल रही थी, तो उसे लग रहा था यहाँ तो जीवन बड़ा आसान है, कोई भी काम नहीं करना है और एक रुपए देंगे और सामान हमको मिल जाएगा। वो वहीं पर रह गया। गुरु ने उसे समझाया कि तुम्हारा यहाँ रहना, देखना, भविष्य में कष्टदायी हो सकता है, लेकिन शिष्य ने उनकी बात को नहीं माना और वो वहां से चल दिया। अब शिष्य जो था वो रह गया वहां पर, और केले खाता, गेहूं खाता, चावल खाता, मतलब खूब अच्छे से खाता और हष्ट पुष्ट और मोटा हो गया था। अब क्या हुआ एक दिन कि एक चोर था, वह एक व्यापारी के घर में सेंध लगाकर, सेंध लगाना कहते हैं कि दीवार को तोड़कर वो अंदर घुस गया चोरी करने के मूड से। जब वो बाहर वापस निकल रहा था तो अचानक से दीवार उसके ऊपर गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब राजा ने जो था वो व्यापारी को दोषी ठहराया कि व्यापारी ही इसका दोषी है, लेकिन व्यापारी ने कहा नहीं, मैं दोषी नहीं हूं, दोषी तो वो राजमिस्त्री हैं जिन्होंने ये दीवार मेरे पिता के समय में बनाई है और मैं उन्हें जानता हूं। राजमिस्त्री को बुलाया गया तो राजमिस्त्री ने कहा नहीं नहीं, मैं दोषी नहीं हूं, दोषी तो वह स्त्री है जो डेली मेरे, जब मैं बनाता था दीवार और वो डेली मेरे सामने रास्ते से होकर जाती थी। अब उस स्त्री को बुलाया गया, वो भी वृद्ध हो चुकी थी। स्त्री ने आके भी अपनी सफाई पेश की। स्त्री बोली कि मैं, मेरा दोष नहीं है राजन,
दोस्तों उस सुनार का है जिसके पास मुझे रोज अपने जेवर के लिए जाना पड़ता था, क्योंकि वो मेरे जेवर संभाल कर नहीं देता था, उसमें कोई ना कोई कमी रोज छोड़ देता था। अब उस जौहरी को बुलाया गया, जिसने सुनार को बुलाया गया, जिसने उसके जेवर बनाता था वह भी काफी तृप्त हो गया था। अब जौहरी ने आकर कहा कि नहीं नहीं राजन, सभी आते और अपनी सफाई पेश करते थे। उसने कहा कि नहीं राजन, मेरा दोस्त नहीं है, दोस्त तो उस व्यापारी का है जिसकी वजह से मैं इसका काम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका मेरे ऊपर प्रेशर था। उसके घर में शादी थी और उनको था कि उनको एक टाइम में जल्दी से जल्दी अपने पूरे जेवर चाहिए। इस प्रकार से व्यापारी को दोषी ठहराया गया। अब व्यापारी कौन था? उसी व्यक्ति का जिसके घर में पहले चोर घुसा था, उसी व्यक्ति का वो पिता था। अब उस व्यक्ति को बुला लिया गया कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारे पिता की वजह से ही यहाँ पर ये हंगामा हुआ है और उनकी वजह से ही ये जेवर नहीं बन पाए थे, इसलिए इस राजमिस्त्री का दिमाग खराब हुआ और इसलिए दीवार गिरी है। अब व्यक्ति जो था व्यापारी बड़ा पतला ही दुबला था। अब राजा ने तो उन्हें मृत्युदंड का आदेश दे दिया। अब एक नई सूली तैयार कराई गई जिस पर कि उनको लटकाया जाना था। अब सूली जो थी थोड़ी सी मोटी थी, वो व्यक्ति जो था व्यापारी उसमें फिट नहीं हो पा रहा था। अब राजा ने कहा कि ठीक है, ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जो मोटा तगड़ा हो और इस सूली में वो फिट हो जाए। ऐसे व्यक्ति की तलाश की गई तो वही शिष्य जो पड़ा पड़ा खाता रहता था, वो अब काफी मोटा सांड की तरह हो गया था। उसको ढूंढ कर लाया गया और उसको लटकाने के लिए तैयार किया गया। तभी उसको अपने गुरु की बात याद आई। उसने अपने गुरु को मनी मन याद किया। गुरु क्योंकि अंतर्यामी थे, उन्होंने अपने शिष्य की बात को जान लिया और वो तुरंत वहां पर प्रकट हुए। पहले तो उन्होंने अपने शिष्य के कान में कुछ कह दिया धीरे से, और फिर उन्होंने आपस में भी बहस हुई दोनों में कि नहीं, पहले मैं लटकूंगा। तो राजा ये देखकर थोड़ा सा अचंभित हुए, ऐसा क्या है सूली में कि दोनों गुरु शिष्य लटकने की जिद कर रहे हैं। लेकिन जब राजा को उन्होंने बताया चुपचाप से गुरु ने कि इस ये सूली जो है पहली बार बनी है, नई सूली है, इस पर जो भी पहले लटकेगा वो अगले जन्म में राजा बनेगा और जो दूसरे नंबर पर लटकेगा वो उसका मंत्री बनेगा। अब राजा ने उस समय फांसी का जो विचार था थोड़ा सा देर रोक दिया और अपने मंत्रियों से मीटिंग की अकेले में, और ये निर्णय किया उसमें अपने मंत्री से कि मैं पहले लटकूंगा जिससे कि मैं राजा बनूं और तुम दूसरे नंबर पर लटकना जिससे कि तुम मेरे मंत्री ही बनो। मंत्री तैयार हो गया और जो रात में जेल के अंदर जो लोग देखते हैं गार्ड लोग, उनसे कह दिया गया कि जो रात में हम भेजेंगे दोनों अपराधियों को, और जो तुम पहले अपराधी के संग करो, फांसी लगाने वाले से कहा कि जो तुम पहले अपराधी के संग करो वही तुम दूसरे व्यक्ति के साथ भी करना, यानी कि दोनों को फांसी तुम्हें लगा देनी है, ठीक है। और उन दोनों को तो चुपचाप से कारावास से मुक्त करा दिया गया, शिष्य और गुरु को, और राजा और जो मंत्री थे वो दोनों ही गुरु और शिष्य बनकर वहां पर पहुंच गए। तो उसे क्या था फांसी लगाने वाले को, उसने पहले राजा को फांसी लगा दी क्योंकि वो पहचान नहीं सका, और उसके बाद में मंत्री को फांसी लगा दी। जब सुबह उठकर देखा गया तो गुरु और शिष्य को लोगों ने जब देखा कि वो दोनों चुपचाप से निकले चले जा रहे हैं, तब उनसे बात करके जानकारी हुई कि क्या हुआ था रात में। अब सारी जनता, क्योंकि वो बिना राजा के रह गई थी, तो उन्होंने गुरु से कहा कि आप हमारे राजा बन जाइए, और जो शिष्य है उससे कहा कि आप हमारे मंत्री बन जाइए। पहले तो गुरु ने मना किया, लेकिन बाद में गुरु इस शर्त पर मान गए। गुरु ने कहा कि मैं इस देश में जो कानून चल रहा है मैं उसको परिवर्तित करूंगा। तो सारी जनता इनकी बात को मान गई और इस प्रकार से गुरु जो थे वो राजा बन गया और जो शिष्य थे वो उनके मंत्री बन गए। तो इस प्रकार से ये मूर्खों का राज्य की कहानी है। अगर राजा मूर्ख है तो पूरे देश के लोग
उन्हीं की तरीके से चलने लगते हैं। उसमें कोई भी ऐसा समझदार व्यक्ति ने समझदारी नहीं दिखाई कि राजा को वो समझदारी सिखा सके। दूसरी बात, इससे ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा गुरु के कहने पर चलना भी चाहिए। भाई गुरु जो होता है वो ऐसी बातों में बता जाता है जो एक शिष्य के लिए, भविष्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छी